लेडीबग ने सच में मेरी जान बचाई। अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती वो। आईफल टावर पर जाने के बाद तुम्हारे टेनाइटिस से तुम्हें वर्टिगो नहीं हुआ? अरे नहीं, लेडीबग मेरी परेशानी जानती है, इसलिए मेरे राइट कान में लगाने के लिए ईयर प्लग लाई थी। राइट कान? क्या उसने कहा राइट कान? पर सुबह तो उसने कहा था कि उसके लेफ्ट कान में प्रॉब्लम है, इस बार वो नहीं बच सकती। ए, क्या तुम सबको बताओगी? बिल्कुल बताऊंगी लैला, झूठी है। हाँ पता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उसकी सच्चाई बता दोगी तो उसे और बुरा लगेगा। बुरे लोगों को सजा देने से वो अच्छे नहीं बन जाते। लेडी बगर मैं तो दो जिस्मों और एक जान है, तो क्या हम उसे चुपचाप झूठ बोलने दें? तुम्हें और मुझे सच्चाई पता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है? सही कहा, शायद ही कोई बड़ी बात नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मिस बुस्टी। अच्छा किया जो तुम उससे उलझी नहीं मैरिनेट। हे, यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। लायला प्रेजेंट। एड्रियन प्रेजेंट। मैक्स प्रेजेंट। क्लास में ध्यान दो मैरिनेट, ज्यादा मत सोचो वरना तुम फेल हो जाओगी। फिर तुम और एड्रियन वो घर कैसे ले पाओगे? और तुम्हारे तीन बच्चे और वो पेट हैमस्टर जिसका नाम मिस बुस्ट ये तीन बार तुम्हारा नाम पुकार चुकी है। लगता है तुम्हें भी सुनने में प्रॉब्लम हो रही है मैरिनेट। ऐसा करो तुम यहाँ आगे आकर बैठो लायला के पास। मिस बुस्टी ये तो कमाल हो गया, मेरा टिनाइटिस अब चला गया है, एकदम गायब, मानो जैसे जादू हुआ। जरूर लेडीबग ने किया होगा, अब मैं पीछे बैठ सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस बुस्टी, क्या मैं मैरिनेट के साथ बैठ सकती हूँ? मैं और नीनू बहुत बातें करते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को अकेले बैठने दूंगी? एक्सक्यूज मी मिस बुस्टी, मैं भी अपनी जगह चेंज करके नीनू के पास बैठना चाहता हूँ। सॉरी लायला, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या मुझे भी मेरी सीट वापस मिलेगी प्लीज? क्या मैं भी वही चला जाऊँ जहाँ पहले बैठा था? मैं भी। एक कैमरा? क्यों नहीं, कैट नुआर और लेडीबग की फिल्म कैट नुआर और लेडीबग से बेहतर कौन बना सकता है? सच में कॉम्पिटिशन पसंद नहीं है। उनके मिराकुलस ले लो, यही सही मौका है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपना मिराकुलस बचाओ, वो यही सही होगा। हटो। वहाँ सब कुछ ठीक है क्या? वहाँ देखो। वो गया, जब देख नहीं रहा था तब उसने अटैक क्यों नहीं किया? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो होगा जो हमें नजर नहीं आया, और इसीलिए लकी चार्म में कैमरा था। मिराकुलस बचाओ, वो यही कहीं होगा। क्या तुमने वीडियो को पॉज किया? नहीं, तुमने उसे फ्रीज होते देखा? नहीं, धुएं की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थी। मेरी भी। ओके, इसलिए ये हमारे मिराकुलस नहीं ले गया। जब कोई उसे नहीं देखता तब उसका हिलना बंद। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, जिसे कोई ना देखे तो उसका होना ना होने के बराबर है। अब उसे हराने का तरीका मिल गया। ये आज तक का सबसे बेस्ट शो है। उसकी हरकतें देखते रुकना इतना आसान नहीं है, ये तो सुपर हिट शो लग रहा है। शुरू होने से पहले दी एंड कैट नोआर। अपनी आंखें बंद करो, कोई भी उसे नहीं देखेगा। रंग बिरंगा और खूबसूरत है, इसका ये मतलब नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। टीवी, अरे हाँ, कैट नोआर उसे उलझाए रखो। हमारी सक्सेस से जलते हो हाँ? तुम चाहे जितनी होशियारी दिखा लो कैट, एक बार तुम्हारा मिराकुलस मेरे हाथ लग जाए फिर देखना सब तुम्हें भूल जाएंगे। आ, 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 आ,
ये बस आवाज क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये मॉडर्न बस है, इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है। इलेक्ट्रिक वाली बस ऐसा थोड़ी होता है, बस शोर करती है, गैस से चलती है और गंदा काला धुआं उगलती है। मॉडर्न बस को हटाओ। ये क्या है? पेरिस में उड़ने वाली सुपर बग गर्ल आ गई? हाँ, गर्ल और सुपर हीरो बग के साथ तो बदलना पड़ता है। ऐसा थोड़ा ही होता है, कानून की देखभाल का काम पुलिस या आर्मी का है, तुम्हारा नहीं। समझ में आया? अल्ट्रा मॉडर्न स्टार ट्रेन के उद्घाटन से कुछ ही देर पहले पता चला है कि एक सुपर गर्ल पेरिस में तबाही मचा रहा है। मैं पेरिस को इस मॉडर्न बकवास से छुटकारा दिलाऊंगा। शुरुआत होगी तुमसे। देखा जाए तो मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ, मेरा मिराकुलस तो एकदम पुराने जमाने का है। पर हमारे जमाने में तो सुपर हीरो होते ही गए। मेरे पेरिस में कोई सुपर हीरोज नहीं होंगे। लगता है लेडी बग ने हवाई सफर का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है। थैंक्स कैट नोआर, पर हमें हमेशा लड़कों की मदद की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें कुछ ओल्ड फैशन सा लगता हूँ ना? ओह, तुमसे भी ओल्ड फैशन लोग हैं। एक बार बेट्रिक्स से तो मिल लो। थैंक्स आंद्रे। तुम क्या कर रहे हो? मैं शूट कर रही हूँ। टेलीफोन कॉल करने के लिए, शूटिंग के लिए नहीं। ऐसा थोड़ा ही होता है। ये तो सेंसरशिप है। बिल्कुल पुराने जमाने जैसा। राजा के दरबार में इजिप्शियन पिरामिड, ऐसा थोड़ा ही होता है। एंशिएंट और मॉडर्न कॉम्बिनेशन, मुझे तो ये ग्लास पिरामिड बहुत पसंद है। साबित हो गया कि मॉडर्न और ओल्ड फैशन साथ साथ हो सकते हैं। धोखा, फ्रेड। हमें उसका फ्लास्क डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सही कहा, और शायद उसका अगोरा भी वही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एड्रियन और उसके डैड को इस वीकेंड पर इंग्लैंड में रॉयल वेडिंग में बुलाया गया है। तो ये है तुम्हारे इमरजेंसी जिसके लिए तुमने हमें सैटरडे मॉर्निंग का बुलाया? तुम समझ नहीं रही हो, कागामी और उसकी मॉम भी जा रहे हैं। इसका मतलब एड्रियन और कागामी पूरा वीकेंड साथ में बिताएंगे। तो अगर एड्रियन उसकी ऑसम ड्रेस और हेयर स्टाइल पर फिदा हो गया तो, और साथ में डांस किया तो, और फिर बग्गी में एक रोमांटिक सिटी टूर पर चले गए तो, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वो आज 11 बजे स्टार ट्रेन से लंदन जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही घंटे हैं। हमें कुछ करना होगा जल्दी। हम एक मोर्चा निकाल कर ट्रेन की स्ट्राइक करवा देते हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट से चले जाएंगे। एक आइडिया है, हम तुम्हें ब्रिटिश मैजेस्टी एयरलाइन जैसा तैयार कर देंगे ताकि तुम चुपचाप बकिंगम पैलेस में घुस जाओ। फिर तुम रिसेप्शन पर एड्रियन को कागामी से दूर कर देना और ग्रैंड बॉल रूम में जाके उसके साथ। फिर जब एड्रियन को पता चलेगा कि तुम वो नहीं हो तो वो नाराज हो जाएगा क्योंकि उसे झूठ से नफरत है, और कागामी पर लट्टू हो जाएगा क्योंकि वो झूठ कभी नहीं बोलती, और तुम्हें टावर ऑफ लंदन में कैद कर लेंगे। हम कागामी को किडनैप कर लेते हैं, कूल है ना? बहुत बुरा आइडिया है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। सुनो मैरिनेट, सबसे बेहतर ये है कि तुम अपनी फीलिंग्स किसी तरह से एड्रियन को बता दो उसके लंदन जाने से पहले। मुझे लगता है जुलिका का आइडिया इससे बेहतर है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बिना किसी गड़बड़ के उससे बात ही नहीं कर पाती हूँ। कई महीनों से ट्राई कर रही हूँ पर ठीक तो है। कुछ बदलने का वक्त आ गया है, मैं किसी तरह हिम्मत जुटा लूंगी। थैंक्स गर्ल्स। यू श्योर तुम कर लोगी? हाँ जरूर, मैं तुम्हें बाद में आकर बताती हूँ। बाय गर्ल्स। वेल माय लेडी नोआर, लगता है आज तुम्हारे हाथ में आसान काम आया है। ऐसा लगता तो नहीं है। हमें दो दुश्मनों का सामना करना होगा एक दूसरे की पावर्स के साथ। फोकस बनाए रखो मिस्टर बाग, और यो-यो को शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। तुमने मिराकुलस आपस में बदल दिए और नई शक्तियाँ उनसे संभल नहीं रही। मौके का फायदा उठाओ रिफ्लेक्टर, तुम उनके मिराकुलस तक पहुँच सकती हो। हाँ, मेरी किस्मत देखो, आज मुझे 2 अकुमास को पकड़ना होगा। नहीं, एक अकुमा और एक अमोक।
रिफ्लेक्टर को हॉक मॉथ ने रियकुमटाइज किया है, पर उसकी जायंट डॉल एक सेंटी मॉन्स्टर है जिसे पीकॉक मिरेकुलस के मालिक ने बनाया है। यानी हमें रिफ्लेक्टर का अक्यूमेटाइज्ड ऑब्जेक्ट ढूंढना है और बेबी मॉन्स्टर का अनलॉक। तुम कर लोगे या रोल बदलने? कम ऑन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस इस्तेमाल करना है अपना। रुको। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये बहुत जल्दी है, अभी हम अपने दुश्मन को ठीक से जानते भी नहीं। रिफ्लेक्टर जायंट डॉल को कंट्रोल कर रही है, पर हमें पता नहीं कि ओकुमा और अमॉक कहाँ छिपे हैं। टीकी, ये एक मैजिक कैद है मैरिनेट, ये नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी तलाश करूं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो होगा। वो रोज, वही तो कैट नोआर ने मुझे दिया था। ओके। मैं उसका प्रिंस नहीं, पर उसे छुड़ाने लायक तो जरूर हूँ। खबरदार ऐसा किया तो। मैरिनेट, मैरिनेट, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ। चाहे उसे प्यार नहीं करता और मेरी स्टिक भी खो गई, फिर भी उसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता। गिव अप नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। वो मिरेकुलस, उसकी रिंग छीन लो। पकड़ लिया। क्या, ये क्या हो रहा है? कर लिया। अलविदा नन्ही तितली। मलेरी। ओ, 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 ओ। मैं आ रही हूँ। नहीं, मैरिनेट को देखो, वो आसपास ही कहीं होगी। घबराओ मत, मैं उसे सेफ जगह पहुँचा चुकी हूँ। वो कितनी लाजवाब है, उसे भला कौन प्यार नहीं करेगा। वैसे उसमें भी कुछ कमियाँ हैं, यू नो। हम सब सीधे लैंड करना नहीं जानते, इसलिए हमें थोड़ी किस्मत की जरूरत होगी। लकी चार्म। Oh no! Ladybug कहीं नजर नहीं आ रही, उसके बिना मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा? Cat Noir, मैं यहाँ हूँ। मलेरी, अगर तुम्हारी आवाज लौट आई मतलब तुमने साइलेंसर को हरा दिया, तुम्हें तलाश करना अब सेफ होगा। हाँ सही कहा, अब कोई खतरा नहीं है, मुझे स्टूडियो के बाहर मिलो। ओके, आता हूँ, तुम्हें स्टूडियो के दरवाजे के बाहर मिलता हूँ। तुम सुपर बुद्धू सुपर हीरो हो, तुमने अपने प्लान में बुरे आदमी को कैसे शामिल कर दिया? और ये नकली लकी चार्म क्या है? मुझे लगा कुछ जादू वगैरह है, पर ये तो बस एक चालाकी वाला स्पेशल इफेक्ट है। बहुत देर कर दी, कहीं रुक गई थी क्या? तुम्हें लगा कि हमें हरा दिया है ना साइलेंसर, पर गलत सोचा, लेडीबग के पास सुपर पावर्स है। ये नामुमकिन है, मैंने तुमसे तुम्हारी आवाज छीन ली, तो फिर तुम अपने लकी चार्म को कैसे बुला सकती हो? मुझे नहीं पता ये किसी रैम से बेहतर कैसे काम करेगा, पर कम से कम तुम्हें एक असली लकी चार्म मिल तो गया। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, लेडीबग अभी हारी नहीं। ये पकड़ो मलेरी। मुझे डराओ मत, कैट को मारना आसान नहीं, जब लेडी बग नहीं तो कैट की चली मस्ती।
हमारा रिकॉर्ड इस साल भी बहुत किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज मिले तो उन्हें मैसेज खोलने मत देना। ओनी चान खुद को ऐसे टेलीपोर्ट करती है। ओह कैट नोर, दर्द हो रहा है, लगता है कि मुझे मोच आ गई है। मलेरी, एक इमरजेंसी है, अभी आता हूँ। क्या वो तुम्हारी टांग तो नहीं खींच रही है? वो अभी ऐसा नहीं करेगी, उसे वाकई दर्द हो रहा होगा। तो मुझे भी थोड़ी मदद की जरूरत होगी। क्या तुम इसे पास के हॉस्पिटल में ले जा सकती हो? अब तुम फंस गई हो लेडी बग, एड्रियन हमेशा के लिए मेरा होगा। नहीं। यस, उसका मिरेकुलस ले लो। पीछे हटो। देखो, नी पैड ना पहनो तो ऐसा ही होता है। नहीं, अपने फोन को मत देखना। पर इमरजेंसी हुई तो उसका पैर पहले देखो। तुम्हें इसके सिर को देखना चाहिए, इसके पैर तो ठीक है। तुम बस ये चाहती थी कि मैं लेडी बग को विलन के पास अकेला छोड़ दूं। लेडी बग से इतनी नफरत? क्या मैं? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि ओनी चान से मुकाबला करने के लिए वो अकेली पड़ गई है? अभी जो तुमने किया वो बहुत बुरा किया, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब फोन उठा लीजिए मिस्टर हसन पी। नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, ये इमरजेंसी है। लेडी बग, सरप्राइज ओनी चान। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और तुम्हें इस तरह से किसने बांध दिया है? ये हॉर्स इतने मजबूत है, एक बार एक बच्चे को छुड़ाने में हमें 2 घंटे लग गए थे। सच में? रुकिए, एक प्लान है। यस मलेरी, इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जरूर मैं उसे यहाँ लेकर आता हूँ। आराम से मेरा पैर। लकी चार्म, कैटेगरिज्म। हम इस मुश्किल में ना होते अगर तुम और लेडी बग ने मुझे पहले बुला लिया होता। थैंक्स क्लोई, इस बड़ी हेल्प के लिए। अगर मेरे पास बी मिराकुलस होता तो इन दोनों को मैं अब तक हरा चुकी होती, समझे? आखिरकार मेरे पास एक प्लान है, तुम सुनो। रुक जाओ गंदे कैट। हे किरी किरी किरी, कम ऑन। सब्रीना, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मुझे लेडी बग के पावर्स चाहिए। उन्हें मुझे बुला लेना चाहिए था पर नहीं बुलाया, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हारा साथ दूंगी। परफेक्ट, जैसा मैंने सोचा था। मायूरा, कैट नोआर का मिरेकुलस ले लो। ओ, मैं बहुत खुश हूँ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। ले लो लेडी बग का पावर। थैंक यू मिरेकुलर, मुझे इसी की जरूरत थी। तुमने एक चालाकी से मुझे फंसा दिया और खुद को मेरी दोस्त कहती हो, हाँ? शेप पावर, मेरे रहते नामुमकिन। कैट नोआर, सॉरी माय लेडी, जितनी देर हो सका मैंने मुकाबला किया। लकी चार्म, कैटेक्लिज्म। वापस आओ मयूरा, तुम्हें भी मिरेकुलस मिल चुका है। मिरेकुलस कैट नोआर और लेडी बग के मिरेकुलस ले आएगी। मैं देखता हूँ। कुछ खो गया? क्लोई, मयूरा का पीछा करो, वो हॉगवॉर्ट्स के पास जा रही है। तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा लेडी बग। अगर मेरी मॉम नहीं जानती कि मैं लेडी बग हूँ तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हमारा क्या, क्या हमें पता है? मुझे लगता है हम सुपर हीरो से बढ़कर कुछ हैं। क्या तुम्हें लगता है हम
लगता तो यही है। यानी हमने एक दूसरे को सब कुछ बताया होगा। जिससे प्यार करता हूँ उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा पाया। तो अगर हम सुपर हीरोज हैं तो वो क्या है? मुझे नहीं पता। तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें उनकी मदद करनी होगी। हमें ये भी नहीं पता कि हम कौन है और वो कौन है, और मैं अजनबियों की मदद नहीं करना चाहता। तुम कौन हो ये तुम्हें याद नहीं, पर कम से कम खुद के बारे में इतना जान लो तुम एक नंबर के मतलबी और डरपोक हो। मैं डरपोक हूँ? मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं आजाद प्राणी हूँ। और तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। क्या वो मदद लेने गया है? हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। लेडी बग, कैट नोर, तुम यही कहीं छुपे हो। इस बार तुम बच नहीं सकते। तुम अपने खास दोस्त ओब्लिवियो को जानते हो ना? अब ये मत कहना तुम्हें याद नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर हमारा दोस्त है। एक बात तो पक्की है, अगर हम सुपर हीरोज हैं तो उसे हमारी सीक्रेट पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों ना हम उसे यही उलझा दें? हम यहाँ से निकलकर इमरजेंसी सीढ़ियों से जाते हैं। सॉरी, ये मुझे चाहिए। मैं कॉल करूंगी, फिर जब वो आएगा तो हम बचकर भागेंगे। मैं टेप की मदद से तुम्हारा फोन खींचूंगी। रेडी? इसीलिए तो तुमसे प्यार हो गया। पकड़ लिया। तुम लोग अपना फोन बंद करना भूल गए। उसके सारे हथियार गिटार केस में हैं। उसे उनका इस्तेमाल करने से रोकेंगे, फिर केस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रेडी? सेकंड चांस। सेकंड चांस। रुको। सेकंड चांस। सेकंड चांस। सेकंड चांस। रुको, क्या कर रहा है मुझे मालूम है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कर दिखाया। इतिहास अपने आप को दोहराता है लेडीबग, पर देखना, एक दिन मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तुम इसके लिए परफेक्ट थे लूका। हम जरूर एक बार फिर मिलेंगे। बग आउट। क्यों ना हम मिलकर कोई कार्टून देखें? मेरे पास पटाटी एंड पटाटो है। वो शो बच्चे देखते हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ। हम खेलते हैं तुम्हारे स्नो ग्लोब के साथ। अरे ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अरे बताओ ना, कम ऑन, वो गिफ्ट्स किसके हैं?
देखो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि ये गिफ्ट्स मैंने एड्रियन के अगले 35 बर्थडेज के लिए बनाए हैं, क्योंकि तुम अपने भाई नीनो को बता दोगे और वो एड्रियन को बताएगा और एड्रियन फिर मुझे पागल समझेगा, पर शायद मैं पागल हूँ। मैं नहीं बता सकती कि मैं सांता क्लॉस की एक एल्फ हूँ और एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, जो है उनके गिफ्ट बॉक्सेस में से एक को संभालना। तुम तो नहीं देखना चाहोगे क्योंकि गिफ्ट्स तो बच्चों के लिए होते हैं, है ना? और तुम तो बड़े हो। ये झूठ है। क्या कि तुम बड़े बच्चे हो? नहीं, ये कि तुम सांता क्लॉस की एल्फ हो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। इसका मतलब तुम मेरा क्रिसमस गिफ्ट मुझे जल्दी दे सकती हो। रोबोटिक अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर। आसान है, बॉक्स में सबसे बड़ा वाला बॉक्स मेरा होगा। नहीं, एक मिनट, खिलौने तो बच्चों के लिए होते हैं, है ना? होते होंगे, ज्यादातर होते हैं, पर रोबोटिक की बात ही अलग है। हाँ, सही कहा। Well, I'm sorry, पर क्रिसमस रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। गिफ्ट्स को पहले नहीं खोल सकते। सांता उन्हें क्रिसमस पर देते हैं, ईस्टर या हैलोवीन पर नहीं, वरना गिफ्ट्स तो विच या बनी भी आकर दे सकते थे, है ना? पर तुम उन्हें जानती हो, उन्हें पूछ लो, उन्हें फोन कर लो या ईमेल भेज दो ना। ओह नो, सांता क्लॉस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्रिसमस के अलावा साल के बाकी समय वो नॉर्थ पोल में होते हैं, खिलौनों का प्रोडक्शन देखते हैं, इसलिए। और वैसे भी तुम्हारा गिफ्ट तो यहाँ नहीं है। एल्फ्स को जान पहचान वाले बच्चों के गिफ्ट्स नहीं दिए जाते, किसी दूसरे एल्फ के पास होगा। सांता को ही पता होगा वो कहाँ है, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि वो किसे दिया है। उनके पास पूरी लिस्ट है। क्रिसमस रूल का एक एक्सेप्शन होता है। अच्छा, क्या है वो, क्या है वो? सांता सिर्फ एक बार रूल तोड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे के लिए। दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा कौन है? शायद लेडीबग। हाँ, उसने पेरिस को लाखों बार बचाया है, इसलिए ठीक है। या वो बच्चा हो सकता है जो सारा बिखरा सामान समेटे और अपनी उम्र के लायक खिलौनों से खेले। हेलो, मेरा नाम मैक्स है। क्या तुम मशहूर और जाने माने हो? कार्की, इतना टाइम नहीं है। मैक्स इस काम के लिए सही है, यकीन करो। हम आखिरी कोच में जा रहे हैं, ड्राइवर के कैबिन की ओर जाने वाले दरवाजे तक। स्टार ट्रेन वही है। हमें तेजी से और एक साथ काम करना होगा। मैं स्टार ट्रेन को हैंडल करती हूँ, कैटनोर अपना कैटाक्लिज्म इस्तेमाल करेगा, और तुम मैक्स ट्रेन को टेलीपोर्ट करके वापस अर्थ पर ले जाओ। फिर मैं अपने मिरेकुलस लेडीबग से सब कुछ पहले की तरह ही कर दूंगी। समझ गया। ओह, तुम्हें कहना है कार्की फुल गैलप। कार्की फुल गैलप। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे सुपर पैसेंजर्स। मेरा यूनिवर्स में जाने का सप्ताह पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये यूनिवर्स मेरा है। मेरे प्यारे ड्रोन्स, अटैक। लगता है मैंने लैंडी का एड्रेस गलत दे दिया था। वैसे सुना तुम्हारी क्लास बिग बैंड देखने जाने वाली थी। मैं
किया जूट। कैट नोआर ने मिस्टर बनाना का रूप लिया है। रहो मस्त, यही रहो। जल्दी ही हम कैट नोआर की पहचान जान जाएंगे और उसके मिरेकल्स आखिर मेरे होंगे। ऐसा नजारा हर रोज नजर नहीं आता। क्वामी बस्टर, मैंने क्वामीज देने का वादा किया और वो ये रहे। अब तुम मुझे मिरेकल्स ला कर दो। तुम बच कर नहीं जा सकते। क्वामी बस्टर के सामने तुम कुछ नहीं हो। पकड़ सको तो पकड़ लो। कैट नोआर, क्या ये तुम हो? लेडीबग, जब भी लगता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम फिर से चौंका देती हो। तुमने कितनी अच्छी बात कही, पर मैं लेडीबग नहीं हूँ। मैं हूँ मल्टी माउस। लेडीबग को क्वामी बस्टर को हराने के लिए तुम्हारा मिराकुलस चाहिए। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? लेडीबग ने मिराकुलस देकर मुझ पर भरोसा किया था, है ना? उसे कहना प्लैग खुलाने की जिम्मेदारी भी उसे देता हूँ। ओके, थैंक यू। और हाँ, लेडीबग ने कहा तुम उसे छत पर मिलना। तुम सबको पकड़ लूंगी। लगता है तुम्हारे मालिक ने हमें दगा दिया। चीकी, अब हम गए काम से। क्या लेडीबग? कहा था ना लेडीबग बेस्ट है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी चीकी। प्लैग बोलो यूनिफाइड। चीकी बोलो यूनिफाइड। एक मेटल डिटेक्टर। आपने सेंटी मॉन्स्टर बनाया तो अमोक को अपनी छड़ी में छिपाया था ना? बिल्कुल। क्या आपकी छड़ी किसी मेटल से बनी हुई थी? कुछ भाग हाँ। आपकी छड़ी सिर्फ दो ही जगह हो सकती है, जहाँ मॉनेस्ट्री थी या फिर। Hey! जल्दी माय लेडी, ये मेरी पूरी की पूरी स्टिक खा गया है। आप चुप जाइए मास्टर। क्या ये रोमांस करने का टाइम है माय लेडी? छड़ी वापस पाने के लिए तैयार हो? ओह नो, ढंग से नहीं। वाह, बहुत बढ़िया फीस्ट। उन दो मिरेकुलस को मेरे लिए अच्छे से संभाल कर रखना, और बाकी का मजा तुम लोग बड़ी मेहनत से हासिल किया है। वाओ, अंदर से बहुत बड़ा है। मेरी स्टिक, ये क्या है? ये सब डाइजेस्ट कर रहा है क्या? ये जो भी खाता है हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाता है। तब तो हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि मास्टर की स्टिक कहाँ है। अलविदा मेरे दोस्त वेज। इतने सालों तक मेरा साथ देने के लिए तुमसे अच्छा और कोई क्वामी नहीं होता। आपका क्वामी होना मेरे लिए गर्व की बात है मास्टर। मैं जानती थी छड़ी सलामत है, वरना सेंटी मॉन्स्टर गायब हो चुका होता। सोच समझ कर विश मांगना। कैटाक्लिज्म! अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट रेडी फायर। मैं तुम्हें काटकर काशी फाइन बना दूंगा। बेहतर होता अगर तुम कैट नोआर को माइम करती जो आकर तुम्हारी मदद करता। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। संभल कर, बोलोगी तो माइम ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा। या!
मुझे सब पता है कैप्टन ऑब्वियस। अलविदा। जान बूझ कर बातें, अपने योयो को माइंड किया, तुम्हारा जवाब नहीं माय लेडी। मैं जीत गई गेमर 2.0, हमें छोड़ दो। बस एक राउंड का गेम, उसमें कहाँ मजा है लेडी बग। गेम के सब कैरेक्टर्स के साथ मुकाबला करने तक ये खत्म नहीं होगा। पर इसमें तो बहुत देर लग जाएगी। यही तो मजे की बात है, ज्यादा लंबा तो ज्यादा मजा। मेरी बारी। फ्रेंड इंगेज टॉमी वेदर, क्या बात। पर पहले मुकाबले के लिए कुछ ज्यादा ही मजेदार। ओ, मेरा कॉपी कैट, नहीं मेरी अपनी कॉपी तो अच्छी होगी, फिर कितना आसान होगा। जल्दी करो, कॉपी कैट और कैटाक्लिज्म को चुनो इस गेम में ताकि हम जल्दी घर जाएं। ओके, तुम कहती हो तो जल्दी करते हैं। ये क्या मजाक कर रहे हो? क्या मैं हमेशा पिजन्स को ट्रेन करना चाहता था। इस स्टेडियम में तो कोई पिजन्स ही नहीं है। एक है और मैं उसे पुकारूंगा फायरी फीनिक्स। ताकि तुम उसे एक अपना फीनिक्स कह सको। ये अब तक की सबसे तेज जीत होगी। Jablanka grab or smash! Somersault attack! Feather face wash! Volatile elbow! Mr. Pigeon, Vince! Kar dikhaya fiery phoenix! आखिर हम हमेशा साथ रहे हैं, हम स्टॉमी वेदर से हार नहीं मानने वाले, है ना किटी? तुम हमेशा सही कहती हो बुगबू। सूरज से और दूर जाने पर पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। तुम इस वक्त बाहर हो क्लारा, क्या हाल है वहाँ का? टेम्परेचर -40 डिग्रीज है नादिया, बहुत मुश्किल है। लेकिन लेडीबग और कैट नोआर ने अपने स्पेशल आइस सूट पहने हैं, इसीलिए वो स्टॉर्मी वेदर का मुकाबला कर सकते हैं। सब ठीक तो है क्लारा, तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है। फ्रीजिंग टेम्परेचर से कैमरा क्रैक हो गया है, पर मुझे लड़ाई नजर आ रही है। सब ठीक है, आइसबर्ग ने लकी चार्म को बुलाया है। उसके पास एक छोटा ऑब्जेक्ट है, वो शायद पेंसिल है। वो उससे क्या करने वाली है? कैट नोआर के पास एक कॉपी मशीन है, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा, पर लगता है कि लेडीबग फोटोकॉपी बना रही है। वाओ, जोर से बिजली चमकी। रुको, स्टॉर्मी वेदर हार गई। क्वीन बी इससे हजार गुना बेहतर काम करती और तेज भी। बहुत जल्द मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा लेडी बग और कैट नोआर। देखा मॉम, मैं भी हवा जैसी बह सकती हूँ। मिराकुलस के लिए थैंक यू लेडी बग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैट नोआर। मैं हूँ यूको। तुम क्या कर रही हो, ये प्लान में नहीं था। कौन सा प्लान? इकारी कोसम, लेडी बग ने तुम्हारी बेटी को मिराकुलस देकर उसकी मदद की है। पता नहीं उसने कैसे किया, पर मुझे उसका मिराकुलस भी चाहिए। कगामी, तुमने फिर मेरा कहना नहीं माना और ना समझ हीरोज की बातों में आ गई। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। यूको, हमारा प्लान। लॉन्ग ने तुम्हें प्लान के बारे में बताया होगा ना? नहीं, कैट नोआर के साथ पीछे रहो, ये आपसी मामला है, माँ और बेटी के बीच का। संभल कर। कैटाक्लिज्म! क्या चाल चली है इकारी कोसम? अब कुछ ही पल में कैट नोआर ट्रांसफॉर्म होगा और उसका मिराकुलस भी मेरा हो जाएगा। मैंने जल्दबाजी की, हार गई।
तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने के लायक नहीं हूँ मैं। तुमसे गलती हुई, मुझसे भी होती है हर रोज, लेकिन ये लड़ाई बंद करने की वजह नहीं है। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, इसलिए तुम्हें चुना है। पर हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये रहा प्लान। जल्दी करो, मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। आपने सही कहा मॉम, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। शुक्र है तुम्हें समझ तो आई, अच्छा हुआ। सांस रोक लो, बोकेन पर निशाना लगाओ। तुम जल्दी सीख गए। सिखाने वाले जो अच्छे हैं। वाटर ड्रैगन। वाओ। यहाँ ये हॉलो है, अपना काम शुरू करो किटी। कैटाक्लिज्म। किटी, मैं जानती थी कि मेरी पहेली तुम्हें सुलझाओगे। घड़ी चोरी ना हो इसलिए बेसिक सिक्योरिटी। पर अब मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। मेरा नाम है बनेक्स। फ्यूचर में मैं लेडी बग और कैट नोआर के सुपर हीरोज की टीम में हूँ, यानी लेडी बग और कैट नोआर जो तुम बनने वाले हो, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों मिनी बग और किटी नोआर जैसे हो। इस टीम में मैं आखिरी चांस वाली हीरो हूँ। मुझे बुलाया जाता है सब नाकामयाब होने के बाद, जिसमें तुम दोनों भी शामिल हो। हे, हमने तुम्हें पत्थर से बाहर निकाला, ठीक है, यानी तुम भी कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई होगी। हाँ, पर नहीं, दरअसल इसमें तुम्हारी गलती थी, या यूँ कहो कि होगी। फ्यूचर में तुम्हारा एक कैटाक्लिज्म गलती से मेरा मिरेकुलस डैमेज कर देगा, इसीलिए टाइम टाइगर मुझे एंशियंट इजिप्ट में भेजकर पत्थर में कैद कर देगा। एक मिनट, तो हम रैबिट मिरेकुलस के बिना काम कैसे करेंगे? तुम्हारे पास घड़ी है? मेरी घड़ी? हाँ, मेरी घड़ी, हमारी घड़ी। यानी ये मिरेकुलस था? कैमोफ्लेज मोड में। फ्लफ, काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ, पर तुम तो। हाँ छोटी एलेक्स, कुछ समझ में आया? तुम मैं हो और मैं तुम। सीधे सीधे कहूँ तो बड़ी होने के बाद तुम मैं बन जाओगी। वाह, बड़ी होने के बाद मैं कितनी कूल लगूंगी। पर रुको, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुम्हें नहीं दिया, I mean, तुम्हें से किसी को मिरेकुलस मैंने नहीं दिया। तुमने अभी तक नहीं दिया है मिनी बग, क्योंकि तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मैं कितनी लाजवाब हूँ। पर फिक्र मत करो, किसी दिन पता चल जाएगा। मुझे भी मिरेकुलस मिलेगा, क्या बात है। फ्लफ, स्नैक टाइम, बैटरीज रिचार्ज कर लो। ब्रेकफास्ट था या डिनर? बीते कल में कितने बजे होंगे? आने वाला कल आ चुका था, परसों कब आएगा? बीता हुआ कल फिर से आएगा क्या? मिरेकुलस कितना पावरफुल है, हम इसे ज्यादा बार यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि टाइम ट्रैवल बहुत खतरनाक होता है, इवेंट्स में दखल देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उप्स, क्वामी के खाने का टाइम। मैं समझी नहीं, अगर तुम फ्यूचर से हो तो तुम्हें इसका एंड तो पता होगा ना? तुम्हारे यंग रूप ने अपनी आंखों से इसे देखा होगा, मतलब तुम जानते हो कि टाइम टाइगर को कैसे हराना है। एक्चुअली मैंने पत्थर में इतना वक्त बिताया है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन शायद सबसे सही तरीका ये होगा कि टाइम टाइगर को फ्यूचर में ले जाएं, जहां उसकी बराबरी के हीरोज उसे हरा सके। मैं सब संभाल लूंगी। क्या बात है। एक बात जो मुझे याद है, मैं टाइम टाइगर को हराऊं तब वहाँ छोटी मैक को मौजूद होना होगा। अगर वो मेरी यादों में है तो उसका खास रोल होगा। अच्छा है, इस बार मेरा खाली बैठे रहने का इरादा नहीं था। कमाल कर दिया पार्टी क्रैशर, अब तुम बस मुझे मिरेकुलस भेज दो। लेट्स डांस। हे, जरा एक सेकंड, पार्टी करना तो किंग मंकी को पसंद है। केला क्यों फेंका? ये क्या हो रहा है? सॉरी, एक दूसरे के पावर्स में गड़बड़ी करना पसंद है। हमें प्रोटेक्ट करो।
ऑफ शेल्टर। पेगासस, टेलीपोर्ट होकर इसे प्ले करने के लिए कुछ लेकर आओ। माफ कीजिए सर, पेरिस को बचाने के बाद इसे लौटा दूंगा। इसका उपाय यही है कि ऐसे डांस मूव्स करो जिससे वो गेस ना कर पाए। तो शुरू हो जाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये डांस नहीं है। आगे देखो। ये वो नहीं है, एक स्टैचू है। देखो, असली पपेटियर के पास एक वांड है, याद है? तो इस पपेटियर ने ले लिया होगा और अकुमा भी वहीं पर होगा। ओके, तो स्टैचू स्टैचू वाला गेम कौन खेलना चाहेगा? हॉप स्कॉच भी नहीं खेलना है। मजाक बंद करो किटी और पहले बच्चे की मदद करो। सच कहूँ माय लेडी, जितनी ज्यादा बड़ी मुश्किल होती है उतनी ज्यादा तुम मुझे लाजवाब लगती हो। ये कैसे कर लेते हो? क्या कैसे? मैं तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल हूँ, फिर भी मेरे लिए इतनी अच्छी बातें तुम आसानी से कैसे कर लेते हो इतनी मुश्किल हालत में भी? क्योंकि जरूरी बातें कहना तो बहुत मुश्किल होता है ना। वही तो, जब कोई जरूरी बात हो तो उसे कहना भी जरूरी है, चाहे जो भी हो। वर्कशॉप चलो, वो वही होगी। समझ गया। ये कितना गंदा है। कुछ देर के लिए तो ब्रेक मिलेगा। रुक जाओ, पता नहीं बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा, हमें तैयारी के साथ जाना होगा। लकी चार्म। एक कार्डबोर्ड ट्यूब, अब इसका मुझे क्या करना है? मैं पता लगा लूंगी, अब चलो। नीने, नीने, नीने। मेरे कई सारे दोस्त हैं, पर तुम, तुम्हारे साथ कोई नहीं खेलना चाहता। लेडीबग, तुम भूल गई, हमेशा मेरा पार्टनर मेरे साथ होता है, कैट नोआर। अच्छा, कैट नोआर, लेडीबग को पकड़ो। तुम्हें क्या हो गया है? ये तो स्टैचू है। तुम नहीं रुकने वाली? मुझे टाइम में वापस लौटने के लिए तैयार रहकर कुछ और ट्राई करना होगा, कहीं तुम नाकामयाब रही तो। कैट नोआर, कैट नोआर। माय लेडी, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया और इसी डर से मैं उदास हो गया था। तुम्हें क्या हो गया है? रहने दो, कुछ मत कहना, हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है? हाँ, वो तो तुम जरूर फिक्स कर दोगी। अब तुम आ गई हो और तुम अपना मिराकुलस मुझे देने वाली हो। मेरा मिराकुलस? तुम्हें क्या हो गया है कैट नोआर? सॉरी, मुझे गलत ना समझो, मुझे प्लीज अपना मिराकुलस दे दोगी प्लीज? कैट ब्लांक का शरारत का मूड है। तुम अकुमाटाइज हो गए हो कैट नोआर, तुम्हें मेरा मिराकुलस नहीं चाहिए, तुम्हें डीइवलाइज किए जाने की जरूरत है। बचाओ मुझे। मेरे प्यारे किटी, तुम्हें याद है कि वो अकुमा कहाँ गया? यहाँ है, पर वो टूट चुका है। अब तुम मेरा दिल भी तोड़ रही हो नारने। क्या? मेरे फ्रेंड्स को जो वो वीडियो भेजा वो माफी के लायक नहीं है। अब इसके डांट भी नहीं रहे इसे शरारत करने से रोकने। मैं माफी के लायक नहीं हूँ मॉम, मैंने अपने कजिन को मुश्किल में डाला, वो सही है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। शायद मुझे इससे एक सबक सीखना चाहिए और तुम्हारे पास एक अच्छा इंसान बनकर आना चाहिए।
मुझे माफ कर देना, इस गलती की वजह से मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, और आपसे भी अंकल। गुड बाय फीनिक्स। फीनिक्स रुको। एडियन रुक जाओ। अगर तुम परेशान या बेकाबू हो तो मुझे कॉल कर लेना कोई भी गलत हरकत करने से पहले। तुम्हारा साथ पाकर मैं खुशकिस्मत हूँ। सॉरी ब्लैक, अगर फीनिक्स ने तुम्हारे चीज और मेरे फोन को चुराया ना होता तो ये कुछ भी ना होता। तुम्हारा कजिन जब चाहे वापस आ सकता है। तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए मैसेजेस रिकॉर्ड किए, कितना अच्छा है ना। मेरे पास एक आइडिया है। पिपियो, पिपियो। Hey guys, मुझे तुम्हारे मैसेजेस नहीं मिले, पर तुम सब मेरे बारे में सोच रहे थे, ये जानकर अच्छा लगा। तुम लोगों से अच्छे दोस्त मुझे नहीं मिल सकते। I love you, तुम सबको। I love you, I love you, I love you. Oh, I love you too, Adrian. I love you. आपके लिए एक सरप्राइज है मॉम। पर गैब्रियल ने तो उसे मुझे देने से मना कर दिया था, और इतना सब होने के बाद मेरे शैतान जादूगर, पता नहीं तुम जो भी चाहते हो उसे कैसे हासिल कर लेते हो। रख लो, ये तुम्हारी है। पर आप भी तो इसे पाना चाहती थी। सिर्फ तुम्हें देने के लिए, तुम्हें हमेशा से ये पसंद थी। तुमने मुझसे ग्राम डी वेनेली ट्विन रिंग्स की कहानी ना जाने कितनी बार सुनी होगी, याद है। शुक्र है ये रिंग वापस उस फैमिली में आ गई जहाँ इसकी असली जगह थी। पता चलता तुम लेडीबग नहीं हो। नहीं, ये नकली है, ये तुम्हें बहका रही है। तुम तो जानते हो कि मुझे कोई और पसंद है। अपने दिल की सुनो, नहीं अपने दिमाग की सुनो। तुम सिर्फ एक धोखा हो। देखा, मैं असली हूँ। नामुमकिन, दो लेडीबग नहीं हो सकती। ये लेडीबग की फैन होगी जिसे हॉकमॉथ ने अकुमाटाइज कर दिया होगा। इसके जाल में मत फंसना। मलेरी नहीं, हमें एक विलन से लड़ना है। मेरी फिक्र बाद में कर लेना। ये बॉसली लेडी है। यकीन नहीं होता कि तुम फंस गए। ओके, बहुत बढ़िया, तुम जीते। मैं नकली लेडीबग हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने इयररिंग्स को कैटाक्लिज्म नहीं करने दूंगी। क्या ये उसने क्यों? शर्त लगानी है। अब तुम्हारी बात, कैट नोआर। नहीं, इयररिंग्स को नहीं। हेलो मयूरा। मयूरा, पर वो असली लग रही थी। जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही सच हो। ये लेडीबग ना तो इल्यूजन है ना कोई अकुमटाइज हुआ इंसान। वो सेंटी मॉन्स्टर है। पर हमारे मुकाबले में पहले आए थे, ये उनसे बेहतर है, एकदम परफेक्ट। उसमें मॉन्स्टर जैसा कुछ भी नहीं था। सॉरी किटी, पर तुम्हें पता होना चाहिए मैं उसके जितनी परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जैसी हो मुझे पसंद है माय लेडी। मुझे पता है अमोक कहाँ है। देखो मयूरा के हाथ में क्या है। चाहे जो हो उनसे मिराकुलस छीन लो और रुकना नहीं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक असली लकी चार्म। ओके, अब तुम ही असली वाली हो। मेरी मदद करो, मैं फंस चुका हूँ। नैटली, नोरो, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप गहरी नींद में सो रहे थे। लगता है मयूरा थक गई है, यही मौका है उसे हराने का, और मास्क के पीछे कौन है ये जानने का। अपने कान बंद करो। नहीं मास्टर फो, मेरी मदद कीजिए।
ये कॉस्ट्यूम बहुत क्यूट है मिस, पर क्या इसे पहनकर यहाँ आना सही है? मैं ट्रांसफॉर्म होना तो भूल ही गई, पर किसी ने मेरा पीछा नहीं किया, मुझे यकीन है। लेडीबग, अगर तुम्हें मैरीगोराउंड का चक्कर लगाना है तो अपनी पसंद का घोड़ा चुन लो। मिशन पूरा होने के बाद तुम मिराकुलस को छुड़ाकर उसे वापस मेरे हवाले करोगी। मेरा मिराकुलस ले आओ लेडीबग, मैं वेट कर रही हूँ। ड्रैगन, तुम्हें यकीन है? जी हाँ, पूरा यकीन है। मेरे प्यारे गार्डियन, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। मैं खुश हूँ कि जो तुमने मुझे चुना लेडीबग, लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि हॉगवॉट ने मुझे पहचान लिया है। टाइम नहीं है, मुझे चाहिए तुम्हारा बेजोड़ टैलेंट। Black, close up! मेरी तरफ मत देखना, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मेरे क्वामी को रिफ्यूल करना है। स्पॉट्स ऑफ। आई होप मैंने तुम्हारे और उस लड़के के बीच कोई रुकावट नहीं डाली। दरअसल तुम बहुत ही अचानक से आ गई। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा कगामी-सैन, हम दोनों मिलकर बहुत महान काम करेंगे। मुझे भी खुशी हुई लोंगसामा। लड़का तो बहुत फेमस है ना, तुम कईयों के दिल तोड़ने वाली हो। मैं सिर्फ एक ही इंसान का दिल नहीं तोड़ सकती, मैरिनेट, क्योंकि एक ही वो मेरी दोस्त है। एडियन और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक से हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, दोस्ती की खातिर भी नहीं। कभी कभी कुछ चॉइसेस बहुत मुश्किल होती हैं। हमें एक मिशन पर जाना है। लॉन्ग ब्रिंग द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्पॉट ऑन। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो बुड्ढे, और तुम्हें बचाने लेडीबग भी नहीं है। मुझे बताओ, लेडीबग और कैट नोआर आखिर कौन है? कभी नहीं तो उनके मिरेकुलस लाकर तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाओगे। ये खतरनाक है मास्टर, आपकी उम्र इसके लायक नहीं है। बहुत बढ़िया। तुम कुछ पल के मेहमान हो बुढ़े, तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार करता हूँ। मेरे पावर्स पर वक्त का असर नहीं पड़ता है। जाहिर है तुम्हें मिराकुलस के बारे में कुछ नहीं पता। हॉक मॉथ, तुम्हें हरा सकूं इतना तो सीख लिया, सुपर हीरोज का अंत आ गया है। बोलते बहुत हो पर अभी तक हासिल कुछ नहीं किया। तुम्हारी हार मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरा प्लान परफेक्ट था, मुझे नहीं हरा पाओगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। फोकस, तुम कर सकती हो। गलती हो गई, अगर मास्टर फू से मिलते वक्त ट्रांसफॉर्म होना ना भूलती तो। मेरी बात नहीं, हॉकमॉथ उन्हें पकड़ नहीं पाता और उनका मिराकल बॉक्स नहीं लेता। मैं अब तक की सबसे बुरी लेडीबग हूँ कैट नोआर। लेडीबग, तुम मेरी नजर में सबसे बेस्ट मिराकुलस होल्डर हो। तुमने गलती की पर कौन नहीं करता, उन्हें ठीक करना इम्पोर्टेंट है, और तुम तो सब ठीक करने, अच्छे से ठीक करने में माहिर हो, है ना? पर अब मैं क्या करूं मास्टर? पर चाबी तुम्हारे पास है, हमेशा से थी, और तुम सबसे बेहतरीन गार्डियन साबित होगी। क्या? मैं वांगफू मिराकल बॉक्स आजाद करता हूँ और लेडीबग को नया गार्डियन बनाता हूँ। नहीं! मास्टर, नहीं, ये मेरा मिराकल बॉक्स है, मैं गार्डियन हूँ। हॉगमॉथ, उसे कहो मेरा बॉक्स मुझे लौटा दे। फिर से मायूसी। उन्हें मैं देखता हूँ, तुम बॉक्स को संभालो। सॉरी, पर ये बॉक्स अब मेरा है क्लोई। मुझे वैसे भी इन स्टूपिड मिराकुलस की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्वीन बी चाहिए। तुम निकम्मी हो और पैरों
इसमें निकम्मा है। मैं मॉम के साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ और वहाँ मैं इकलौती क्वीन भी होंगी और मैं दुनिया को अकेले ही बचाऊंगी बगैर तुम्हारे या तुम्हारे रिडिकुलस गलत चुने दोस्तों के। एकदम गलत चुने हुए। आई एम सॉरी क्लोई, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वेल, अगर ऐसा है तो आज से मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ लेडीबग। मैं तुम्हें नहीं चाहती और मैं मॉम के साथ जाने वाली हूँ क्योंकि तुम वहाँ रहने के लायक नहीं जहाँ मैं रहती हूँ।